जीटीए ऑनलाइन में अगर हम हाइस्ट की बात करें तो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट हाइस्ट है कायो परिको हाइस्ट, क्योंकि ये सबसे हाइपिंग हाइस्ट है और काफ़ी सारे प्लेयर्स ने इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हाइस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस हाइस्ट को ठीक से नहीं करोगे तो आप बार बार मरते रहोगे और बार बार डिटेक्ट होते रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इसे डिफ़िकल्ट भी समझते हैं। लेकिन यह हाइस्ट सबसे सिंपल हाइस्ट है पूरी जीटीए ऑनलाइन में। तो आज की मैं इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि एक कंप्लीट वॉक थ्रू दूंगा कि इस हाइस्ट को कैसे करना है, आपको कैसे अंदर जाना है कायो परिको आइलैंड के, और कैसे चुपके से बाहर आना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये दूसरा पार्ट है इस सीरीज़ का, मैंने पहला पार्ट बनाया हुआ है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि पहले वाले पार्ट में मैंने सारे प्रिपरेशंस और गैदर इंटेल को कैसे करना है वो बताया हुआ है। तो हमने पिछले वीडियो में सारे प्रेप मिशंस और गैदर इंटेल वाले मिशंस कर दिए थे, तो आपके पास कुछ एक ऐसा इंटरफेस होगा जब आपने सारे प्रेप मिशंस और इंटेल कर दिए। तो हमने अप्रोच व्हीकल्स, इक्विपमेंट और वेपन लोड आउट कर चुके थे, अब हमें जाना है बस फिनाले में। फिनाले को बस आपको स्टार्ट करना है, नीचे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन है, आपको बस स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट होने के बाद आपको सुपर हैवी आर्मर परचेस कर लेना है इनकेस जस्ट, और सीधा आपको प्ले करना है। अब मैं ये हाइस्ट सोलो कर रहा हूँ, और आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो अप्रोच व्हीकल में आपने को कोसाट का सिलेक्ट करनी है, कोसाट का ही हमने मिशन किया है। उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज टनल, आपको ड्रेनेज टनल बहुत ईजी पड़ेगा। नॉर्थ डॉक और वेस्ट बीच अगर आप ये सिलेक्ट करते तो आपको ज़रा डिफिकल्ट जाएगा। कंपाउंड एंट्री पॉइंट, फिर से ड्रेनेज टनल, अगर आपने इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट ड्रेनेज चैनल सेलेक्ट किया तो कंपाउंड एंट्री ड्रेनेज चैनल से ही होगी। एस्केप पॉइंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं नॉट डॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और टाइम ऑफ द डे आपके ऊपर है, आपको डे या नाइट, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डे ही रखें। उसके बाद वेपन लोड आउट में एग्रेसर और सप्रेसर, ये आपके वेपन्स हो जानी चाहिए, ये हमने प्रेप मिशन किया था पिछले वीडियो में। हायर सपोर्ट क्रू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और असाइन क्रू कट्स, या अगर आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स है आपके टीम में तो आप क्रू कितना कट देना चाहते हैं, जैसे कि आप मेरे यहाँ ये नाम किया गया यहाँ पे 100% है, तो आप कितना देना चाहते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड है। उसके बाद आपको बस स्टार्ट करना है और रेडी टू प्ले करना है। जैसे ही हाइट स्टार्ट होगी आपको सबमरीन कोसाटका से छोड़ा जाएगा पानी में, आपको बस तैर तैर के जाना है और एक दरवाज़ा काटना है ड्रेनेज टनल का। अब यह दरवाज़ा काटना बहुत ईजी है, काफ़ी प्लेयर्स इसमें भी बहुत ज़्यादा बार फंस जाते हैं, बस आपको जो ग्रीन मार्क्स है उसके ऊपर आपको कटिंग टूल से कटिंग करनी है, ये बहुत ही ईजी है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। एक बार आपने दरवाज़ा काट लिया बस आपको अंदर जाना है और कंफर्म कर देना है, ई दबा देना है कि आपको यहाँ से जाना है, ई बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, और अब आप मेंशन में आ गए। मेंशन में आने के बाद इसको मिले करना है। अब मिले आपको कैसे करना है, मिले आपको आपके माउस के बटन से नहीं करना है, आपको आर दबाना है कीबोर्ड पे, एनिमी के पास जाना है और आर दबा देना है। अगर आप माउस से करोगे तो ये वो गोली मार देगा। अब यहाँ पे दो टारगेट्स है, इनको आपको साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा, अगर आप साइमल्टेनियसली नहीं लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब इस बंदे को भी मार देना है, और आप ये बात ध्यान रखें कि आप दो से ज़्यादा गोली मत चलाइए, आप बहुत जल्दी आपको फिनिश करना होगा। अब ये है हमारा गनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जल्दी आपको मारना पड़ेगा, जैसे मैंने मारा आप भी उसे वैसे ही मारिए। और जैसे ही इस एनिमी ने एक की ड्रॉप की है आपको उसे उठाना है, ये है एक की कार्ड। अगर आप दो लोग हो तो आपको की कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सेकेंडरी टारगेट्स चुरा लोगे मैंशन के ही, लेकिन मैं सोलो हूँ तो मैं नहीं चुरा पाया। अब इन दोनों को आप मार भी सकते हो और नहीं भी मार सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे इन्हें मारना पसंद है क्योंकि इन्होंने एक की कार्ड ड्रॉप किया है। और इस कैमरे को आपको उड़ा देना है। अब कैमरा आप उड़ा सकते हो, सारे कैमरे नहीं उड़ाने हैं आपको, अगर सब सारे कैमरे उड़ा दोगे तो आप डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और सारे लोगों को भी नहीं मारना है। अब यहाँ पे एक बंदा जो है उसे आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मुझे उसे मारना पसंद है, आप उसके पास जाके आप उसको मिले कर सकते हो, लेकिन आप इससे कम्प्लीटली अवॉइड करके आप आगे भी बढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिले कर दिया इसको। और याद रखिएगा अब तक हम डिटेक्ट नहीं हुए। अब ये बंदा ज़रा ट्रिकी है, क्योंकि ये बंदा जो है ये गोल गोल घूमते रहता है और यहाँ पे एक कैमरा भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उसे एक चक्कर मारने दें और यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा आप अपनी शॉटगन लेके तैयार हो जाना और उसका भेजा उड़ा देना। आपको हेडशॉट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हेडशॉट नहीं दोगे तो एनिमी मरेगा नहीं, और एनिमी मरेगा नहीं तो आपको चार पांच बुलेट्स और मारनी पड़ेगी जिससे दूसरे एनिमीज डिटेक्ट हो जाएंगे तो आप पकड़े जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको हेडशॉट ही देना। अब यहाँ पे आना है आपको इस रास्ते से, और यहाँ पे एक बंदा ऊपर होगा तो आपको यहाँ से चढ़ना है, लेकिन आपको उसका हेड दिखेगा तो हेडशॉट उसको दे देना है। यहाँ पे एक बंदा आएगा, यहाँ पे उसको मिले कर देना है पीछे से। अब यहाँ से ऊपर जाना है आपको स्टेयर्स पे,
अब स्टेयर्स पे जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो एक बंदा और आएगा। अब यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ पे आपको लिफ्ट हैक नहीं करनी है, आपको यहाँ से कीकार्ड दूसरा उठा लेना है और यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सेफ खोलनी है। अब इस सेफ में 50,000 से $1,00,000 के पैसे होंगे, तो आपको वो उठा लेना है और आपको लिफ्ट हैक नहीं करनी है। आपने वो चाबी उठाई थी जहाँ पे मैंने उस बंदे को मारा था, आपने वहाँ पे चाबी उठाई थी, उस चाबी से आपको अंडरग्राउंड केज से जाना है। अब यहाँ पे आना है आपको, यहाँ से जंप करनी है और यहाँ से एक अंडरग्राउंड केज है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, आपको लिफ्ट हैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा अंडरग्राउंड जा सकते हो। अब यहाँ पे आपको हैकिंग करनी है, हैकिंग बहुत ही ईजी है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको जो राइट साइड वाला जो फिंगरप्रिंट है उसे लेफ्ट साइड से मैच करना है, ये बहुत ही ईजी है। एक बार आपका हैक हो जाए ये कीपैड, बस आपको अंदर आना है, अब यहाँ से आपको अपना मेन टारगेट चुरा लेना है। अब ये जो है ये अपना थर्मल कटिंग ग्लास जो है, इसे आपको कैसे यूज़ करना है, आपको जो बटन दिख रहा है पेज अप टू कट थ्रू द ग्लास, पेज अप बटन दबाना है ग्लास कटिंग के लिए, तो आपको दबा के रखना है पेज अप जब तक वो जो हीट का सिंबल है वो रेड नहीं हो जाता, और फिर उस बटन को छोड़ देना है, फिर से दबाना है, फिर उसे छोड़ देना है। तो ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है इस ग्लास को कट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे डॉलर साइन है मेरे मैप में, तो आप अगर 2 से ज़्यादा प्लेयर हो तो आप उसे ले सकते हो, लेकिन मैं सोलो हूँ तो मैं नहीं ले पाऊंगा। जैसे आपने अपना मेन टारगेट कलेक्ट कर लिया, और ज़्यादा एनिमी स्पॉन हो जाएंगे तो आपको बच बच के निकलना पड़ेगा। आप यहाँ पे इस बंदे ने मुझे देख उसे फटाक से मीले कर दिया। अब आपको इस रास्ते नहीं जाना है, मैं यहाँ पे ज़रा कन्फ्यूज़ हो गया था, आपको जाना है मेन गेट के रास्ते से, इस फाउंटेन से होके आपको जाना पड़ेगा। ये फाउंटेन आप याद रखिए, ये फाउंटेन के जो ऊपर स्टेयर दिख रहा है वहाँ से जाना होगा। अब वहाँ पे होते हैं 2 बंदे, एक बंदा स्टिल होता है और एक बंदा घूमते रहता है, आप उसके कोन ऑफ विजन से दूर रहिए, और वो जब बंदा दूर जाए तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे ई प्रेस कर देना है। ई प्रेस करने से क्या होगा, आपका ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप यहाँ से जा रहे हो। एक बार आप इस कट सीन पे आ गए तो आप सक्सेसफुली अपना टारगेट चुरा के बाहर निकल चुके हो। अब अगर आप इस पॉइंट से आगे मर भी जाते हो तो आप वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निकलना चाहते हो बिना कोई सेकेंडरी टारगेट, तो आप निकल सकते हो, बस इस बंदे को मारना है और ये बाइक लेके लेफ्ट साइड चले जाना है। लेफ्ट साइड क्यों जाना है, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो आप एक डेड एंड पे पहुंच जाओगे, तो डेड एंड पे आपको बस बाइक उड़ानी है, पानी में गिरना है और तैरते तैरते चले जाना है, तो आपकी हाइस्ट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मुझे सेकेंडरी टारगेट्स भी लेने हैं, तो मैं आगे जा रहा हूँ सेकेंडरी टारगेट्स लेने में। तो यहाँ पे हेडशॉट चूकने की वजह से मैं डिटेक्ट हो गया था, और डिटेक्ट होने के बाद मुझे मार दिया गया, क्योंकि अब मैंने डिसरप्शन मिशंस नहीं किए तो बहुत सारा बैकअप आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने वापस उसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ मेरा, और यहाँ पे मैंने इसे भी वापस हेडशॉट दिया, और यहाँ पे इसको इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली हेडशॉट देना है। अब यहाँ पे मैं वापस मिस हो गया, लेकिन मैंने जल्दी से उसे मार दिया, तो आपको जल्दी से जल्दी मार देना है, पिछली बार मैंने उसे जल्दी से मारा नहीं था, और आप इस कैमरा को उड़ा दीजिए। एक बार आपने यहाँ से क्लियर करने के बाद आप यहाँ से बाइक लीजिए और यहाँ से सीधा आप जा सकते हैं अपने सेकेंडरी टारगेट्स पे। अब सेकेंडरी टारगेट्स मैंने कौन से कलेक्ट किए थे, मैंने सिर्फ कोक उठाया था सेकेंडरी टारगेट्स में, जो मैंने गैदर इंटेल में किया था। एक बात आप ध्यान रखें कि ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत इरिटेटिंग और अनाइंग है, क्योंकि अगर आप इसमें ठुक जाओ तो आप बहुत जल्दी आप गिर जाओगे नीचे और जल्दी से उठ नहीं पाओगे, और पीछे आपके वो एल रूबियो पड़ा होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई गिरने की वजह नहीं थी, फिर भी मैं ठुक गया और गिर गया। तो यहाँ पे है मेरा कोक, अगर आप ऐसे करते हो तो ये ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एल रूबियो ऊपर जो घूम रहा होता है। इस बंदे को आपको ज़रूर मारना है, क्योंकि ये बंदा वापस घूम के आ सकता है और आपको ही पकड़ सकता है, तो बेटर है कि आप चांसेस ना ले और इसे मार, और इसको मारने के बाद आप एल रूबियो को भी ध्यान रखिए, क्योंकि एल रूबियो जो है वो ऊपर से हेलीकॉप्टर में घूमता रहता है, अगर उसने आपको पकड़ लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो सीधा ऑन द स्पॉट फायरिंग देगा और उसके पास काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर होता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इस गली से आना है, इस गली में जो है वो बंदा घूमता रहता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, आपको उसके कोन ऑफ विजन में नहीं आना है, अगर आप उसके कोन ऑफ विजन में आ जाओ तो वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेगा। एक बार उसको मारने के बाद आप यहाँ पे आके इस कोक को लूट सकते हो। अब ये सब एक्स्ट्रा लूट है, अगर आपको नहीं चाहते लूटना तो आप मत लूटिए, आप सीधा यहाँ से निकल सकते हो। तो ये मैंने मेरा सारा कोक उठा लिया और मेरी जो लूट है अभी 1.3 मिलियन हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से नॉर्थ डॉक। अब नॉर्थ डॉक क्यों जाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ डॉक में भी काफ़ी ज़्यादा लूट पड़ी हुई है। तो नॉर्थ डॉक जाने के लिए आपको पहले अपनी बाइक उठानी है, मेन एंट्री पॉइंट पे जाना होगा। अब मेन एंट्री पॉइंट पे क्यों जाना है, क्योंकि मेन एंट्री पॉइंट से ही आप नॉर्थ डॉक जा पाओगे, या फिर आप एक बोट ले सकते हो वहाँ से। अब यहाँ पे मुझे मिले कुछ डिस्गाइजेस। अब डिस्गाइजेस क्यों मैंने चेंज किए, क्योंकि कैमरा जो है, जो कैमरा होता है,
कैमरा आपको पहचान नहीं पाएगा इस डिस्गाइज पे, बंदे आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डिस्गाइज ले लिया और मैं सीधा गया नॉर्थ डॉक पे। अब आपने डिस्गाइज भी पहन लिया तो भी आप कॉशियस रहिए, क्योंकि आप पकड़े जाने के भी चांसेस होते हैं। अब आपको जाना है सीधा नॉर्थ डॉक। यहाँ से मैंने मेरी गाड़ी उठा ली, यहाँ से एक गाड़ी आपको उठानी और सीधा नॉर्थ डॉक आना है। अब नॉर्थ डॉक आने के बाद आपके मैप में होगा आपका कोक, और यहाँ से आपको कोक अपना उठा लेना है। अब मेरी लूट टोटल हो गई थी 1.5 मिलियन की। अब यहाँ से भी मैंने पूरा अपना कोक उठा लिया। अब यहाँ से आपको भाग लेना है। अब मैं यहाँ पे पकड़ा गया था, यहाँ से मुझे सबको मार के भागना पड़ा, जो कि इम्पॉसिबल था। तो मैं वापस मर गया था और वापस मुझे सेटिंग से स्टार्ट करना पड़ा था। लेकिन मैंने इस बार सिर्फ आधी बैग ली। तो आपको जितना मिल रहा है आप उसे उठा के भाग लीजिए यहाँ से। तो मैंने एंड में एकदम मैं जाके डिटेक्ट हो गया था, तो मैं यहाँ से बोट लिया और यहाँ से भाग लिया। आपको सीधा जाना है बोट में, कोई पीछे नहीं, बोट को आपको भगाना है और आपके ऊपर फायरिंग होती रहेगी पीछे से। बस आपको बोट टेढ़ी मेढ़ी चलाकर उस फायरिंग को अवॉइड करना है। और आप थोड़ी दूर जाने के बाद आपकी हाइस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आपको ये कट सीन आ जाएगा। एक बार ये कट सीन आने के बाद आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी हाइस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे मिले 1.1 मिलियन। मैं चाहता तो और ले सकता था, लेकिन ये हाइस्ट बहुत अनॉइंग हो जाती और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो हाँ गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो।